काम बंद करो, मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। फोन लो मामा। तो देखो हमारे साथ कौन कौन है आज। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीरीज हैशटैग इफ्तार विद इफ्रा। बेटा रुक जाओ। तो मेरे पास इन लोग दोनों आए हुए हैं, एक साल तक रहने वाले। हाँ मैं आज भी ये जेली बनाऊंगी। पिछली बार मैंने रास्पबेरी फ्लेवर की बनाई थी, इस बार मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की बना रही हूँ। इसको विटामिन सी से विटामिन सी की गोली खानी है इसको। कितने बचे से? इसको दो बेटा खोल के खोले। तो आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी मैंने सोचा नहीं शूट कर लो, क्योंकि मैं नई नई चीजें आज बना रही थी। तो आज मेरे मेन्यू में होने वाला है, मुझे बोलने दो एक मिनट। आज मेरे मेन्यू में होने वाला है गोश्त फ्राई, कीमे के कबाब, और मामा को मैक्रोनी खाने का है। हाँ तो मैं मैक्रोनी बनाऊंगी। और वैसे मामा का रोजा है, नन्हे रोजदार मेरे मामा का रोजा है। हाँ इसका रोजा नहीं है, ये इसका बिल्कुल रोजा नहीं है, मेरा दिमाग खाई है ये। हाँ तो ये चीजें मैं बना रही थी, जेली बना रही हूँ और शरबत में देखूंगी क्या बनाऊंगी। और मैंने बनाया हुआ है गोश्त की अखनी। तो आज मेरे किचन में बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखते हैं हम लोग सब कैसे बनाते हैं। गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मटन ले लिया है, इसको इतना छोटा छोटा सा मैंने पीस किया है, मीडियम पीस है, ना छोटा है ना बड़ा है। इसको अच्छे से धो लिया है मैंने, तो मैं इसमें डाल दूँगी और कुकर में डाल दूँगी, मुझे इसको बनाना है। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, इसमें जाएगी हल्दी, फिर जाएगा सॉल्ट, उसके बाद जाएगा धनिया पाउडर, इसमें जीरा भी है, धनिया जीरा मिक्स है। इसमें जाएगा फिर कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। ये देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है इस वक्त। अभी मैं इसको सीटी लगा के जो है वो पूरा गला दूंगी, उसके बाद हम इसको इफ्तार से पहले फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी, उसके बाद अंडे में कोट करूंगी और फिर मैं इसे फ्राई करूंगी। अब इसको हम गला देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कीमे के कबाब का भी आटा तैयार, बैटर जो है वो तैयार करके ले ली। यहाँ पे मैंने कीमा अच्छे से वॉश करके ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी हरा मसाला। तो इसमें मैंने हरा मसाला डाल दिया है, अभी इसमें मैं डाल दूंगी सॉल्ट, सॉल्ट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर, सीटी आ गई है गोश्त में, इसमें मैं डाल दूंगी धनिया जीरा पाउडर, कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी का पाउडर जो है वो मैं डाल दूंगी इसमें। और यहाँ पे मैंने प्याज ली हूँ, उसको हमको एकदम चॉप करना है। प्याज इसमें डाल, तो ये मैंने अभी मिला के इसको रख दिया है। इसको फ्राई करने से पहले मैं इसमें डालूंगी जवारी का आटा और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके मैं फ्राई कर लूँगी। ये मेरे कबाब जो है वो उसका जो बैटर है वो रेडी है। तो यहाँ पर जेली भी मैंने बना दी है और हमारे गोश्त भी अच्छे से गल कर रेडी हो गए हैं। पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख लिया है और मैं साथ साथ यहाँ पर रेड सॉस बनाऊँगी साइड में, या इसमें मैं यहाँ पर बॉइल्ड चिकन डालूँगी और मैं सॉस रेडी करूँगी। तो मेरा रेड सॉस बन गया है,
रखा बेटा, तो मेरा रेड सॉस बन गया है, उसके अंदर मैं डाल दूंगी अभी पास्ता। ओ पास्ते का एक्सीडेंट हो गया। पास्ते का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। रेड सॉस पास्ता रेडी हो गया है, चिकन भी है इसमें। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है आपको। तुझे मामा शूट कर दिए मेरा। मैं दिख रही हूँ पूरे। डिश तो दिखाओ हमारी कैसी लगती है। डिश देखो, मैक्रोनी। अभी आप मैक्रोनी का एक्सीडेंट हुआ था, वो उसको उठा लिए। उसको हम लोगों ने उसका मरम पट्टी कर दी, उसको ठीक कर दी। कहाँ पर? इसमें डाल के। मामा मैंने इतना सारा पास्ता बनाया, सब मामा खाएगी। सब मामा खाएगी। तो ये हमारा जो मटन था वो अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया था मसाले डाल के। अभी मैं इसको फ्राई करने ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 eggs को नमक डालकर फेंट ली हूँ अच्छे से। और ये मेरा है ब्रेड क्रम्ब। अभी ये दोनों में कोट कर करके हम फ्राई करेंगे। पहले ब्रेड क्रम्ब में अंडे का। मैंने इसको पलट दी हूँ एक साइड से, कितना अच्छा कलर आ गया। मामा सारे फ्राई कर लूँ क्यों, रखूँ थोड़े? कल के लिए रखूँ, कर लेती हूँ। अच्छा सारे कर लो तो हम सैरी में भी खाएंगे। ये मामा का कहना है, ठीक है मैं सारे कर लेती हूँ। ये देखिए सब फ्राई हो गए, मैं निकाल दी। ये देखिए गोश्त फ्राई हो गए मेरे, इतने खूबसूरत लग रहे हैं और ये टेस्टी भी बहुत लगते हैं। इसी के साइड में अभी मैं यहाँ पे कबाब फ्राई करके ले लूँगी। ये जो मैंने दोपहर में बनाया था इसका मिक्सचर, इसमें मैं अभी डाल दूँगी बाजरे का आटा। मैंने यहाँ पे फ्रेश ऑयल अभी ले लिया है, क्योंकि हमने गोश्त फ्राई किया है ना, तो उसमें फेस आ रहा था ऑयल में, क्योंकि हमने अंडा डाला था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे भी फ्रेश ऑयल ले लिया है। बाजरे का आटा डाल के इसको अच्छे से वो कर लूँगी। मैं डोर क्लोज कर दो बेटा। जो बाहर वो बांबू रखा है ना तेरा, देखिए बाजरे का आटा डाल दी तो ये एकदम स्टिकी फॉर्म में हो गया। अभी हम इसके कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे।
मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिकन भी फ्राई करूंगी, मुझे आप ही ने मसाला लगा के भेजिए चिकन फ्राई का। मैं सोच रही हूँ इसमें से भी चार पांच खाली पीस में फ्राई कर लूँ। ये देखिए हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। और करो आज फाजिल भी बोल रहे कि कितना कुछ बनाए हो। मुझे आज बहुत खुशी है, मेरे बच्चे आए हुए हैं। हाँ, दो दिन तक का चलाएगा अभी ये बना के। इतने बुरे हो ना रोज, कल काम नहीं करने का इसलिए इतना ज्यादा कर रहे हैं। देख लो भाई कितना बुरे, कितने बुरे हो। कल काम नहीं करने का ना इसीलिए इतना कुछ सारा बना रहे। देखो चेहरे पे साफ दिख रहा है इनके, इतने बुरे। आपको ये भी नहीं खाने मिले। मुझे बस आज बहुत खुशी है, मेरे दोनों बच्चे आज आए हुए हैं। झूठे, मैं वो लोग की पसंद की चीजें बना रही हूँ। झूठे, वीडियो बंद तो होने दो। नहीं नहीं, वो मामा की पसंद का ही कबाब है। वो दो दिन तक का बोले, मैं दो दिन तक का यही खाऊंगी। तो इफ्रा ने आज के ही दिन बहुत सारा बना दी। कुछ भी क्यों बोल रहे हो? क्या बोलूं? तुम तो बोले जो सच है वो बोलो। रोजा रह के झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। बस इतने बस हो गए। चिकन भी है, चिकन भी है, चिकन भी फ्राई करना है। फ्राई करने का है। ओके, कबाब भी निकल रहे हैं। मत करा करो, समझे? कबाब निकल रहे, लाल लाल करके निकाली है। तो लाल लाल हुए ना कबाब, जला के? नहीं जले, ये ऐसी। अच्छा, वही पका के मतलब? थोड़ा दूर हटो, ये फ्रीजर का है, दूर हटो। आप भी दूर रेडी हो। डालेगा कौन? तो बोलो चले या अंदर चले आइए। टाइम से निकाले जल्दी से। चलिए, यहाँ पर मेरी इफ्तारी रेडी हो गई थी। ये देखिए चिकन फ्राई कितनी सुंदर लग रही है, और मेरे कबाब रेडी है, गोश्त फ्राई रेडी है, और यहाँ पे हमारा रेड सॉस पास्ता भी रेडी है। इसकी गाड़ी कभी भी बजना चालू हो जाती है, वो बटन मत दबाओ भी। वाली लाइट चालू हो तो। हम लोग का इफ्तार हो गया है, 13वां रोजा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजर चुका है। फाजिल भैया बैठे, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपने ऐसा बोले हो सबको लगेगा मेरी रेसिपी कोई ट्राई नहीं करेगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आप पर अभी झूठ बोल रहे, ऐसे क्यों लग रहा है? दोनों टाइम पे झूठ बोल रहा था मैं। ऐसा मत बोला, मैं मेरी रेसिपी इतनी मेहनत करके दिखाती हूँ, लोग बोलेंगे हस्बैंड ही बुराई कर रहा है। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मेरी तारीफ तो करो। अच्छा, सच्ची बताओ, बहुत अच्छा बना था। कबाब कैसे थे? कबाब भी अच्छा था, गोश्त का वो क्या था, सॉस के साथ खाने में अच्छा लगता है। गोश्त फ्राई भी अच्छा था। और इन शॉर्ट मेरी रेसिपी अच्छी होती है, आप घर में जरूर ट्राई करना। कबाब बहुत अच्छे थे। कबाब मेरी मम्मी की रेसिपी थी, मम्मी से पूछ के बनाई। बहुत अच्छे थे। और गोश्त का, गोश्त फ्राई भी बहुत अच्छा था। हम लोग ने उसको पाव के साथ में खाया, अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अच्छा था। आप भी घर में ट्राई कीजिए। हाँ बेटा, अब मैं जाऊँ इफ्रू? हाँ जाओ। क्या बेटा? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मत भूलना, लाइक भी करो, शेयर भी करो, बेल आइकन भी दबाओ। और हम लोग हर वीडियो के नीचे लाइक देते हैं। बाय गाइस।